वेलकम टू अवर चैनल साउंड स्क्राइब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। आज हम बात करेंगे कि एसपीडी एसएक्स प्रो जो नया आया है उसका सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डाउनलोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे एसपीडी एसएक्स प्रो सॉफ्टवेयर, और जैसे एंटर करेंगे और एक लिंक ओपन होगा SPD SX Pro Additional Editor Library, SPD SX Pro App, ठीक है। इस पहले वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे, टैब में ओपन कर लेते हैं और एक डाउनलोड, देखिए डाउनलोड नाउ का एक बटन आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा और एक यहाँ पे भी आ रहा है, आपको जैसे ठीक लगे जहाँ से भी, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने एक्चुअली डाउनलोड मैनेजर डाल रखा है, सो एक डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ओके लेट्स सी, ओके ये मेरा गया डाउनलोड में और ये चला गया, अपलोड कर लिया था, तो अब इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, क्लाउड मैनेजर डिफॉल्ट, ये लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए बोल रहा है तो एग्री कर देना, बिकॉज इसका एक्चुअली लाइसेंस कोई है नहीं वैसे। नेक्स्ट एक्सेप्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल, अभी ड्राइवर भी इंस्टॉल करेगा जैसे इसके साथ साथ, तो ड्राइवर भी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइवर भी अभी इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा अभी आपको। एंड नेक्स्ट एंड फिनिश, ओके। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मैं यहाँ जस्ट साइन इन कर रहा हूँ। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो जस्ट गो टू द साइन अप बटन, क्लिक पे आप क्लिक करिए और इस पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंड मैंने क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं अपना आईडी से लॉग इन कर देता हूँ। ओके सो मेरी आईडी है, ओके सो ये रीडायरेक्ट कर रहा है, सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो गया। अब जैसे आप रीडायरेक्ट देखेंगे तो ये देखिए ये कर्सर घूमने लग गया और मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। अब जैसे ही मेरे पास ऑप्शंस आएंगी तो मुझे देखिए यहाँ पे पियानो सिंथेसाइजर, ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग उन्होंने डाउनलोड के लिए अलग अलग से ऑप्शन दे रखी है, अलग अलग टैब्स हैं। यहाँ पे आप जाके सिंथेसाइजर की सारी लिस्ट देख सकते हो, अगर आप सिंथेसाइजर भी है अगर आपके पास तो, अगर पियानो है तो पियानो भी। हमें जाना है ड्रम्स पे तो हम जाएंगे SPD SX Pro पे, और ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि फ्री है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब क्लिक एंड यस, सो ये अभी क्यू में है, डाउनलोड कर रही है और साथ के साथ ये इंस्टॉल भी करेगी। ओके सो हम देखते हैं SPD SX Pro एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन अभी प्लीज़ कनेक्ट द SPD SX Pro ये बोल रहा है। अगर आप देखें तो अब ऑक्टोपैड में मैंने अभी USB जो अपने सिस्टम के साथ अटैच नहीं की है, मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं अब कैसे करेंगे। तो ये मेरा ऑक्टोपैड है, इसकी बैक साइड पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मैंने ये USB, मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके ये मैंने वायर्स कुछ लगा रखी हैं काफ़ी, तो ये USB की केबल है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे लगाना है कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसको वापस रख देता हूँ और देन स्विच ऑन कर देता हूँ, राइट। ओके तो ये स्विच ऑन हो गया, ओके सो स्विच ऑन होने के बाद अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं लोड डेटा एंड ऐप कनेक्शन रिक्वायर्ड एक्सेस हायर देन क्यूट ऐप। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है हमारे SPD SX Pro की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, बेसिकली ये एक जो उसका फर्मवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है और फर्मवेयर भी अपग्रेड हुआ है फॉर द कम्युनिकेशन, तो हमें अब अपने SPD SX Pro का भी वर्जन अपग्रेड करना होगा। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे आपको अपना SPD SX Pro का जो वर्जन है वो पहले चेक करना है, फिर उसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के बाद जब आप SPD SX Pro का फर्मवेयर का वर्जन जो है अपग्रेड कर लेंगे तो उसका वर्जन हो जाएगा 1.10 जो कि लेटेस्ट है, और वो ही सिर्फ कम्युनिकेट करेगा
आज की जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है उसके साथ, ठीक है। सो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए और अपग्रेड कीजिए, और उसके बाद फिर दोबारा से हम चेक करेंगे। इस वीडियो में मैं दोबारा आपको अभी चेक करके बताता हूँ कि मैंने जब अपग्रेड कर लिया तो उसके बाद क्या मेरा SPD SX Pro चला कि नहीं चला, ठीक है। तो चलिए SPD SX Pro की एप्लीकेशन चलाते हैं दोबारा से। ओके, लोड डेटा एंड स्टार्ट एप्लीकेशन। तो USB मैंने कनेक्ट की है और मेरा एप्लीकेशन जो है मेरी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, देखिए अब इसमें मैं हर चीज़ को एडिट कर सकता हूँ। इस को कैसे यूज़ करना है इस एप्लीकेशन को, जैसे पैच कैसे बनाने हैं, कैसे आपको ये जैसे डायनेमिक कर्व है इसका क्या मतलब है, फेडर क्या है, इनमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप सबसे पहले उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।